हाय, मैं हूं तुहिन। वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। हम आपको दिखाएंगे कैसे आप मौसुनी आइलैंड जाएंगे, फिर मौसुनी आइलैंड से आप गंगा सागर भी घूम सकते हैं। मैं अभी सियालदा स्टेशन, जो लक्कीकांतपुर, मेरे सामने ट्रेन खड़ा है। इसी ट्रेन से हम लक्कीकांतपुर जाएंगे। एक बात है, अगर आप मौसुनी आइलैंड जा रहे तो आप थोड़ा देर वेट कीजिए नामखाना लोकल के लिए, वही सबसे बेस्ट है। 7:30 बजे नामखाना लोकल है। हम लोग बिना वेट करके लक्कीकांतपुर लोकल हमने पकड़ ली है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लक्कीकांतपुर। आप देखिए मेरे पीछे लक्कीकांतपुर। यहां से हमको ऑटो पकड़ना है, फिर जाना है कुलपी, जो लक्कीकांतपुर से 5 किलोमीटर, वो टोटो में जाना है। यह है लक्कीकांतपुर रेलवे स्टेशन का बाहर। लक्कीकांतपुर से हम गए कुलपी, फिर कुलपी से हम लोग बखली का बस पकड़े, फिर बखली बस पकड़ के 2 घंटा बस जर्नी करके हम लोग उतरे 10 माइल। में उतर के हम लोग एक वैन रिक्शा हायर की, हमको लेके गया पातिबुनिया फेरी घाट। हमें चिनाई नदी क्रॉस करना है। भैंडिस का बहुत तेज चल रहा था। फाइनली हम लोग पहुंच गए पातिबुनिया फेरी घाट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चिनाई नदी। ये चिनाई नदी क्रॉस करते ही हमको मिल जाएगा मौसुनी आइलैंड। आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से मौसुनी आइलैंड। फाइनली हम लोग बैठ गए नाव में। बहुत सारे टूरिस्ट जो मौसुनी आइलैंड देखने के लिए आया था। यह है मौसुनी आइलैंड। फाइनली हम लोग उतर गए मौसुनी आइलैंड पे। आप देखिए इसका खूबसूरती, बहुत बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ मैंग्रोव का पेड़ है। मौसुनी आइलैंड उतरते ही आपको मिल जाएगा ऑटो। ये 25 रुपया लेता है। आप जो कैंप आपने बुक किया है उस कैंप में आपको छोड़ देगा। हम लोगों ने अल्फिया कैंप बुक की थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए अल्फिया कैंप में। मौसुनी आइलैंड में आपको बड़ा बड़ा होटल नहीं मिलेगा, ये कैंप या मड हाउस आपको मिलता है। कैंप का कीमत है 1050 करके पर हेड, जिसमें आपको मिलेगा जब आप उतरेंगे जाएंगे पहुंचेंगे आप अपने कैंप पे, आपको मिलेगा कोकोनट ड्रिंक्स, फिर दो लंच में मिलेगा आपको मछली चावल, फिर शाम को आपको मिलेगा मूढ़ी पकौड़ा, फिर रात को रोटी या चावल उसके साथ चिकन, और मॉर्निंग में पूरी सब्जी और 2 अंडे। मौसुनी आइलैंड बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं मेरे साइड में ही सी। इधर आके बैठ के आप घंटों स्पेंड कर सकते हैं। ये हमारे टेंट, चलो चलते दिखाते इसका अंदर। हम सोचे थे कि बहुत ही ठंड लगेगा, लेकिन ठंड नहीं लग रहा था इस टेंट के अंदर। शाम को हम लोग जम्मू द्वीप देखने के लिए निकल गए। इसका किराया है पर हेड 250 रुपए करके। काफी बोट के अंदर बहुत तेजी से डीजे बज रहा था, हमने काफी मस्ती की, बहुत जन बहुत ही डांस की। यह है मैंग्रोव ट्री, जो काफी सुंदर है। आप देख सकते हैं इसका जड़ है पानी के नीचे, और इसका पेड़ है, मतलब पत्ते हैं पानी के ऊपर। अभी रात होने जा रही है। अभी बोट से मौसुनी आइलैंड का नजारा आप देखिए,
जितने सारे कैंप है, कैंप में कितने सुंदर लाइट लगा हुआ है और हमारे कैंप पे फायर लगा दिया था। यह है बारबेक्यू चिकन, इसके लिए 400 रुपये आपको अलग से पे करना होगा। अगर आप बारबेक्यू चिकन आप खाना चाहते हैं तो आपको दोपहर भी आपको ऑर्डर दे देना होगा। देखिए नाइट में कैंप का नज़ारा। हम लोग सुबह सुबह उठ के हम निकल पड़े मैनग्रोव जंगल देखने के लिए। मौसुनी आइलैंड एक तरफ चिनाई नदी और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये और एक कैंप है जिसका नाम है गल्पो ग्रीहो। हम लोग अंदर गए, काफी सुंदर है, इसमें भी टेंट मड हाउस सब कुछ है। और आप देखिए ये है मैनग्रोव जंगल, अभी कोटाल नहीं है, जब कोटाल आएगा तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी दिखाई नहीं देगा, इधर पूरा पानी में भर जाता है। अब जो दे रहे ये लड़की कोलकाता का रहने वाले हैं, हमारे साथ काफी दोस्ती हो गई थी। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े गंगा सागर की तरफ। हम लोग एक टोटो पकड़ के आए बागडंगर घाट। ये है बागडंगर घाट, यहाँ से हमको जाना है बेनुबन। अगर आप गंगा सागर जाना चाहते हैं तो आपको उतरना होगा बेनुबन में, फिर वहाँ से आपको टोटो पकड़ना होगा। इसी बोर्ड से हमको जाना है बेनुबन। फाइनली हम पहुंच गए बेनुबन में। यह है बेनुबन जो बहुत सारे लॉन्च स्टीपर इधर रुका हुआ है। हम दोनों जिधर भी जाते हैं नारियल पानी जरूर पीते हैं। बहुत सारे ब्लॉग में आपको दिखाई देगा कि हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं। हम लोग बेनुबन उतर के थोड़ा सा पैदल चले, फिर आपको मिलेगा ये टोटो ऑटो और मैजिक कार का स्टॉपेज। अगर आप बुक करना चाहते हो तो आपको 250 रुपये देना होगा, अगर आप पर हेड के हिसाब से जाना चाहते हैं तो आपको 60 रुपये देना होगा। तो हम दोनों पर हेड करके 60 रुपये करके हम लोग गए। यहाँ से 15 किलोमीटर है कपिल मुनि आश्रम जो गंगा सागर में है। फाइनली हम लोग पहुंच गए कपिल मुनि आश्रम। इस जगह पे नागा साधु बैठते हैं, आप जाके उधर जाके आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर हम दोनों रहने के लिए जगह ढूंढने लगे धर्मशाला। यह है भारत सेवाश्रम जो बहुत सुंदर है। 400 रुपये करके पर हेड हमने लिया। भारत सेवाश्रम में लैगेज रखते ही हम लोग निकल पड़े कपिल मुनि आश्रम देखने के लिए। आप देखिए कितने सुंदर, बहुत सुंदर, रात में तो और भी अच्छा लग रहा था। हम दोनों सोचे थे कि इधर 2 घंटा रहने के बाद हम लोग निकल जाएंगे काकदीप के लिए, फिर हमने डिसाइड की तो इधर ही रहते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कहां पे, गंगा सागर। आप पीछे देख सकते हैं कपिल मुनि आश्रम जो गंगा सागर में है। नेक्स्ट दिन हम लोग निकल पड़े बेनुबन की तरफ, वहां से हमको नामखाने जाने वाले फेरी हमको मिलेगा।
हम लोगों ने सुबह सुबह एक टोटो हायर कर ली जिसका किराया पड़ा 250 रुपये। हम लोगों ने किसी पैसेंजर का वेट नहीं किया क्योंकि हमें बेनुवन से फेरी मिलेगा, उसका टाइम था 7:50 को। फिर टोटो ड्राइवर ने बोला कि इधर एक नाग सरोवर करके एक बहुत ही अच्छा जगह है, तो चलो आपको लेके चलते हैं। तो हम लोग सोचे चलो चलते देखते हैं। यह है नाग सरोवर जो बहुत ही सुंदर है। हम लोग फिर से आगे बेनुवन में, यहाँ से हमको जेटी मिलेगा जो हमको लेके जाएगा नामखाना। जेटी ऑलरेडी खड़ा था, अब देखिए ये जो अब जहाज देख रही है ये बांग्लादेश का है, ढाका से आया है। ये मछुआरा का ट्रॉलर है जो समुद्र में रात को गए थे, अब सुबह आ गए मछली पकड़ के। फाइनली हम लोग पहुंच गए नामखाना जेटी में। फिर हम लोगों ने ऑटो पकड़ के आगे नामखाना रेलवे स्टेशन, छोटा है बट वेल मेंटेन है। हमें तो ये स्टेशन बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सजावट है, आप देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ से हमको 10 बजे का ट्रेन था, हम लोग 8:30 बजे ही आ गए थे। यह है नामखाना रेलवे स्टेशन, यही लास्ट स्टेशन है, इससे आगे नहीं जाता है क्योंकि इससे आगे समुंदर मिल जाता है आपको। ये जो ट्रेन है इसी ट्रेन से हम वापस जाएंगे। वीडियो पूरा देख